أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جماعت دہم کے طلبہ و طالبات کو اردو کی آن لائن کلاس میں خوش آمدید آج ہمارے اردو کے لیکچر نمبر دو ہے دوسرا لیکچر ہے آج ہمارے اردو آن لائن کلاس میں پہلے لیکچر میں آپ نے حمد پڑھی تعارف پڑھا حفیظ جالندری کا آپ نے حمد کی تشریح کی اور آج ہم صفحہ نمبر 12 پہ नेक्स्ट हमारे पास जो मुसन्निफ हैं उनका नाम है शाहिद अहमद देहलवी इनका खाका मौजूद है हमारे पास मिर्जा मोहम्मद सईद का लेकिन खाके से पहले या सबक शुरू करने से पहले जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपने पहले मुसन्निफ का तारुफ पढ़ना होता है तो अब हम सबसे पहले शाहिद अहमद देहलवी का तारुफ पढ़ेंगे शाहिद अहमद देहलवी या का तारुफ या मुसन्निफीन का तारुफ आप इसलिए आपके लिए जरूरी होता है क्योंकि आपको पता है कि आपके इसमें से एमसीक्यूज बनते हैं एमसीक्यूज के हवाले से तारुफ बहुत अहमियत के हामिल है लिहाजा जो अहम बातें हैं उनको आप अंडरलाइन कर लिया करें शाहिद अहमद देहलवी 1906 में पैदा हुए और 1967 में उनकी वफात हुई यानी 1906 में वो पैदा हुए और 1967 में उनकी वफात हुई इस तरह हम कह सकते हैं कि 20वीं सदी के बहुत बड़े इल्मी और अदबी शख्सियत हैं शाहिद अहमद देहलवी दिल्ली में पैदा हुए इसको अंडरलाइन कीजिए वो डिप्टी नज़ीर अहमद देहलवी के पोते और मौलवी बशीरुद्दीन अहमद के फर्जंद थे ये दोनों खुद भी बहुत बड़े इल्मी और अदबी शख्सियत हैं और उर्दू अदब में एक बहुत अहम मकाम रखते हैं तो इसलिए आपने याद रखना है कि वो डिप्टी नज़ीर अहमद देहलवी के पोते और मौलवी बशीरुद्दीन अहमद के फर्जंद थे इसको भी अंडरलाइन करें एमसीक्यूज के हवाले से अहम है फिर अगला 1925 में उन्होंने एफसी कॉलेज लाहौर से एफएससी करने के बाद मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया लेकिन शदीद बीमार हो गए चुनाचे तबी तालीम जारी रखने का इरादा तर्क कर दिया यानी जो मैट्रिक की सॉरी मेडिकल की तालीम थी वो उन्होंने छोड़ दी थी क्योंकि वो बहुत शदीद बीमार हो गए बाद अजा यानी बाद में दिल्ली से अंग्रेजी अदबियात में बीए ऑनर्स किया एमए फारसी का इम्तिहान भी पास किया قیام پاکستان کے بعد شاہد احمد دہلوی کراچی منتقل ہو گئے اور تصنیف و تالیف کے ساتھ ساتھ انہوں نے انگریزی ادب سے تراجم کا سلسلہ بھی جاری رکھا یعنی لکھنے لکھانے کا کام جو ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے دوسرا بڑا کام کیا وہ یہ تھا کہ انگریزی ادب کو وہ اردو میں ترجمہ کرتے تھے تاکہ اس طریقے سے یہ ہوتا ہے کہ اردو ادب میں بہت سی نئی باتیں جو ہیں وہ شامل ہو جاتی ہیں اور انگریزی ادب کی وہ باتیں جس سے عام لوگ جو ہیں वो वाकिफ नहीं होते वो आहिस्ता आहिस्ता उर्दू में शामिल होना शुरू हो जाती हैं पाकिस्तान राइटर गिल्ड की तश्कील में नुमाया खिदमात अंजाम दी 1963 में इन्हें मजमूई अदबी खिदमात की बिना पर तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा गया इसको भी अंडरलाइन कर ले कि शाहिद अहमद देहलवी को उनके अदबी खिदमात के सिलसिले में कौन से अवार्ड दिया गया या कौन सा तमगा दिया गया तो वो था तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी शाहिद अहमद देहलवी जबान बयान पर कामिल उबूर रखते थे इनकी जबान आसान और आम फहम है वो मौसीकार भी थे लेकिन उर्दू अदब ही इनकी पहचान बना शाहिद अहमद देहलवी जबान बयान पर अच्छा जी यानी कामिल उबूर रखते थे उनको जबान जो है उसके छोटी छोटी बातें भी पता थी किस तरह किस चीज़ को लिखना है वो हर चीज़ का हुनर जानते थे और उनकी ज़बान जो है वो बिल्कुल सादा ज़बान इस्तेमाल करते थे बहुत मुश्किल ज़बान इस्तेमाल नहीं करते थे जो उस वक्त के लोगों को समझ ना आती इसलिए उर्दू अदब में उन्होंने अपना बड़ा नाम कमाया डॉक्टर जमील जालवी के मशवरे पर उन्होंने खाका निगारी शुरू की गुंजीना गोहर जिससे जेर नज़र खाका लिया गया है यानी हमारे पास जो मिर्जा मोहम्मद सईद का खाका है वो उनकी इस किताब गुंजीना गोहर से लिया गया है और बज़्म खुश नफसा इनके मजमुओं के खाकों के मजमुए हैं इनके अलावा इनकी तसानीफ में उजड़ा दयार दिल्ली की भपता और धान के खेत शामिल हैं ये इनकी अहम तसानीफ के नाम हैं आपने इनके तसानीफ याद करने हैं ये खाका जो है किस किताब से लिया गया है वो आपने इसका नाम याद रखना है इसके अलावा आपने तारीख पैदाइश वफात और जगह का नाम मकाम पैदाइश और उनके दादा और वालिद साहब का नाम याद रखना है और उनको कौन सा जो है अदबी खिदमात के सिलसिले में कौन सी इनाम मिला या वो किस सन में मिला ये चीज़ भी आपने याद रखनी है एमसीक्यूज के हवाले से पेज नंबर 13 पे मिर्जा मोहम्मद सईद ये एक खाका है खाका वो छोटा सा मजमून होता है जिसमें मुसन्निफ जो है किसी शख्स की जिंदगी के कुछ पहलुओं के बारे में इस तरह उसको लिखता है या इस तरह तारुफ करवाता है कि जो
जो इसकी मुकम्मल जिंदगी के बारे में ना हो, लेकिन जो अहम बातें या जो ऐसी कुछ खास बातें कि जिससे वो शख्सियत जो है वो आपके सामने आ जाए, वो खाका कहलाती है। और शायद अहमद देहलवी जो है उर्दू अदब में एक खाका लिखने वालों में, खाका निगारों में एक बहुत बड़े उनका मकाम है, और उन्होंने बहुत बड़े बड़े लोगों के खाके लिखे हैं। तो ये जो इनकी इनकी खाका हमारे पास यहाँ पे किताब में है, मिर्ज़ा मोहम्मद सईद का उन्होंने खाका लिखा। मिर्ज़ा मोहम्मद सईद खुद भी बहुत बड़े इल्मी अदबी शख्सियत थे, और उनके बारे में इन्होंने हमें जो है उनकी खूबियों के बारे में बताया है, और उनकी कुछ ऐसी चीज़ें जो हैं वो हमारे सामने रखी हैं, उनके अफकार, किरदार और खूबियाँ या खामियाँ के जिनकी रोशनी में हम मिर्ज़ा मोहम्मद सईद के शख्सियत को जान सकते हैं। तो शुरू करते हैं कि मिर्ज़ा मोहम्मद सईद कौन थे और क्यों जो है वो इतने मशहूर थे, या क्यों उनके बारे में ये खाका लिखा गया है, इसके बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा जी, सुबह अखबारों में ये खबर पढ़कर दिल धक से रह गया कि प्रोफेसर मिर्ज़ा मोहम्मद सईद का आज सोएम है। मुसनिफ क्या कह रहे हैं कि सुबह जब मैंने खबरों में अखबार में ये खबर पढ़ी कि मिर्ज़ा मोहम्मद सईद को गुजरे हुए 3 दिन हो गए हैं सोएम, यानी किसी के मरने का तीसरा दिन होना, कि तीसरे दिन मैंने खबर अखबार में ये खबर पढ़ी कि मिर्ज़ा मोहम्मद सईद जो हैं वो फौत हो गए हैं और आज उनका सोएम है, तो ये खबर पढ़कर मैं दिल धक से रह गया, यानी मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया, या जैसे वो कहते हैं ना कि दिल रुक गया, दिल की धड़कनें रुक गई। और ये खबर जो है वो कह रहे हैं कि मेरे लिए बहुत एक जिसको हम कह सकते हैं कि एक हैरान कर देने वाली या एक दुख देने वाली खबर जो है वो मैंने सुनी। खामोश जिंदगी खामोश मौत, मिर्जा साहब की अलालते मिजाज या मर्जुल मौत की इत्तला इससे पहले कहीं से नहीं मिली। वो कह रहे हैं कि जिस तरह मिर्जा मोहम्मद सईद ने एक बहुत खामोश जिंदगी गुजारी, उस तरह उनकी मौत जो है वो भी बहुत खामोश हुई, बहुत से लोगों को उनकी मौत का पता नहीं चला। और वो आगे मिर्जा साहब की अलालते मिजाज यानी अलालत बीमारी को कहते हैं कि वो बीमार हैं या मर्जुल मौत या कोई ऐसी मौत में, किसी ऐसे मर्ज में मुब्तला है कि जिससे उनकी मौत हो सकती है। वो कह रहे हैं कि इससे पहले ये इत्तला किसी ने हमें नहीं दिया, यानी इसके बारे में जिक्र ही नहीं किया गया कि इतनी बड़ी शख्सियत जो है वो बीमार है या उनके उनको कोई ऐसा मर्ज लाहक है कि जिससे उनकी मौत हो सकती है। तो वो कह रहे हैं ऐसी कोई खबर पहले नहीं मिली थी मुझे। हद ये कि परसों वो रहलत फरमा गए और उनके सैकड़ों दोस्तों और कदरदानों को इस सानह इरतहाल की खबर तक ना हुई। और सबसे बड़ी जो बात है वो ये कह रहे हैं कि कल जो है परसों जो है वो बल्कि इस दुनिया से गुजर भी गए, और फिर भी इस इतनी बड़ी खबर के हमें जो है वो पता नहीं चल सका। साने इरतहाल यानी यहाँ से चले जाने का जो हादसा था, इरतहाल चले जाना, रुखसत हो जाना, कि साने इरतहाल की खबर भी हमें ना हुई, इतने ना तो इससे पहले किसी ने उनके मर्ज का जिक्र किया और ना ही फिर उनके मौत का किसी ने जिक्र किया। हालांकि तीसरे दिन जो है वो कह रहे हैं कि मुझे पता चला है, और मैं मुझे बहुत ज्यादा इनके ये वफात का हादसा सुनकर मुझे बहुत ज्यादा दुख जो है वो हुआ है। अफसोस, इतना बड़ा साहिब कमाल हम में से उठ जाए और उनकी सुनवाई हम तक ना पहुंचे। ये बड़े अफसोस की बात है कि सुनवाई कहते हैं मौत की खबर, कि इतना बड़ा शख्स, इतना बाकमाल शख्स जो है, जो बहुत बड़ी शख्सियत थी इल्मी और अदबी हलकों में, वो चले गए, वो दुनिया से रुखसत हो गए और उनकी मौत की खबर हम तक नहीं पहुंची। तो ये हमारे लिए बहुत अफसोस का मुकाम है। कितने बेखबर हैं हम लोग, जिंदा कौमों का ये शियार नहीं होता कि अपने अहले कमाल से गाफिल हो जाए। अब वो अफसोस कर रहे हैं कि हम कितने बेखबर लोग हैं कि हमारे वो हजरात जिन्होंने अपनी तमाम जिंदगी जो है वो वक्फ कर दी है इतने अच्छे कामों के लिए या उर्दू के लिए, उर्दू अदब के लिए, और हम जो है हमें ये भी खबर नहीं हुई कि वो किस हाल में हैं, या अगर वो हमसे रुखसत हो जाते हैं, ये दुनिया छोड़कर चले जाते हैं, तब भी हमें उनकी खबर नहीं होती। तो वो कह रहे हैं कि ये जिंदा कौमें ऐसी नहीं होती, ये जिंदा कौमों का दस्तूर नहीं होता, लेकिन हम ही गाफिल हैं कि हमें इसकी खबर ना हुई। ऐसी गफलत मुजरिमाना होती है, शायद यही हमारी गफलत ही की सजा है कि मिर्जा साहब को यूं एकाएक हमसे छीन लिया गया। अब वो कह रहे हैं कि हमसे जो गफलत हो गई है, हम इतने गाफिल हैं, और शायद ये हमारी ही गफलत है कि अल्लाह ताला ने एक इतनी बड़ी शख्सियत या इतनी बड़ी
बाकमाल शख्सियत जो है, या इतने बड़े इल्म वाले, इतने बड़े हुनर वाले जो है, वो हमसे एकाएक की अचानक वो हमसे छीन लिए गए हैं, और उनको जो है कि शायद अल्लाह ताला को हमारी ये गफलत जो है वो पसंद नहीं आई, क्योंकि हमने उनकी उस तरह कदर नहीं की जिस तरह हमें उनकी करनी चाहिए, हमने उनकी खबर ना रखी, और अल्लाह ताला ने हमसे उनको अचानक ही वो जो है वो हमें छोड़कर चले गए, और अल्लाह ताला ने उनको हमसे, जैसे वो कहते हैं, छीन ली है ये जो नेमत हमारे पास मौजूद थी, क्योंकि हम उसकी कदर नहीं कर रहे थे। अगला पैराग्राफ, आलम की मौत होती है। आलिम, आलिम कहते हैं इल्म वाले को, जिसके पास इल्म होता है, और आलम कहते हैं दुनिया को। ये बहुत खूबसूरत जुमला, आलम की मौत होती है। इसका मतलब ये है कि जब कोई अहले इल्म जो है वो फौत हो जाता है या दुनिया से रुखसत हो जाता है, तो वो एक पूरे अहद या एक पूरे दौर की मौत होती है। क्या मतलब हुआ आसान अल्फाज में? इसका मतलब ये है कि वो शख्स जिसने अपना एक लंबा अरसा जो है उस इल्म को हासिल करने में लगाया होता है, उसने एक बहुत बड़ा दौर देखा होता है, बड़ी तकलीफें बर्दाश्त की होती हैं उस इल्म को हासिल करने के लिए, और फिर वो एक टाइम आता है कि जब वो उसमें उस इल्म में एक मकाम हासिल कर लेता है, और फिर लोग उससे फायदा लेते हैं, ठीक है, उसके इल्म से जब लोगों को फायदा मिलने लगता है तभी वो आलिम कहलाता है ना। तो वो जब अगर उसकी मौत हो जाती है, तो वो जो तमाम दौर था, वो एक खास दौर जो उससे मुंसलिक था या जिस दौर में वो जिंदा था, वो दौर खत्म हो जाता है। अब लोगों के पास उससे उसके जो इल्म था वो अपने साथ लेकर रुखसत हो जाता है, और लोगों को उससे फायदा उठाने का फिर जो है वो मौका नहीं मिलता, यानी एक पूरा दौर जो है वो उसके साथ खत्म हो जाता है, एक पूरा जमाना जो उसने अपना इल्म हासिल करने में लगाया होता है वो उसके साथ ही रुखसत हो जाता है। तो ये वो कह रहे हैं कि ये बड़ा यानी एक आलम की मौत जो है वो एक बड़ा बहुत बड़ा हादसा हो सकता है किसी कौम के लिए, क्योंकि उसने अपनी सारी उम्र जो है उस इल्म को हासिल करने में गुजारी हुई होती है, जिससे फिर लोगों को फायदा हो रहा होता है। अभी हमको इसका अंदाजा नहीं हो सकता कि मिर्जा साहब के रुखसत हो जाने से हमारा कितना बड़ा नुकसान हो गया है, यानी जैसे ही वो उनकी मौत हुई है तो हम इतना जल्दी उसका अंदाजा नहीं लगा सकते कि हमने हमारा कितना बड़ा नुकसान हो गया है, या हमसे जो है वो चीज कितनी बड़ी नेमत अल्लाह ताला ने छीन ली है। अब इनकी अदम मौजूदगी रह रहकर हमें इनकी याद दिलाएगी, अदम मौजूदगी मौजूद ना होना, लेकिन वो कह रहे हैं कि वक्त गुजरने के साथ साथ जब हमें इस बात का एहसास होगा कि वो अब हम में नहीं रहे, तो हमें पता चलेगा कि हमने कितनी बड़ी नेमत खो दी है या हमारा कितना बड़ा नुकसान हो गया है, और वक्त के साथ उनकी जुदाई का घाव बढ़ता चला जाएगा, और वक्त गुजरने के साथ साथ उनका हमसे जुदा होने का जो गम है, घाव ऐसे जख्म को कहते हैं, कि वो जो जख्म है वो मजीद ताजा होता चला जाएगा, क्योंकि जैसे ही कोई शख्स रुखसत होता है तो उसके नुकसान का अंदाजा उस वक्त नहीं होता, स्पेशली जो आलिम होते हैं, बल्कि जब वक्त गुजरने के साथ साथ पता चलता है कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो उनसे अभी सीखना थी, या बहुत सा इल्म ऐसा था जो उनके पास अभी मौजूद था, तो तब एहसास होता है उनके जाने से का गम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला जाता है। तो यहाँ पे भी मुसन्निफ कह रहे हैं कि वक्त के साथ साथ ये नहीं होगा कि हम उनको भूल जाएंगे, बल्कि उनकी जुदाई का जो जख्म है वो बढ़ता चला जाएगा, हमें मजीद से मजीद दिन गुजरने के बाद हमें ये पता चलेगा कि हमने कितनी बड़ी नेमत को या कितने बड़े इल्मी शख्सियत को जो है वो खो दिया है। मिर्जा साहब बहुत ही खामोश करने काम करने वालों में से थे, इतने यानी इतने खामोश कि खुद उनके जमाने के अक्सर लोग भी इनकी इल्मी और अदबी कारनामों से वाकिफ नहीं हुए। मिर्जा मोहम्मद सईद के बारे में चूंकि बात हो रही है कि मिर्जा मोहम्मद सईद जो है वो खामोशी से काम करने वाले थे, उनको ज्यादा जो है अपना नामो नमाइश करना या अपनी अपनी शोहरत करना, खुद को मशहूर करना जो है वो अच्छा नहीं लगता था, बल्कि वो बहुत सिर्फ अपने काम से काम रखते थे, और वो इतने खामोश काम करने वाले थे कि अक्सर जो उस जमाने के लोग हैं उनको भी नहीं पता था कि असल में खुद मिर्जा मोहम्मद सईद जो है वो कितनी बड़ी शख्सियत है, क्यों, और उनके जो इल्मी कारनामे थे या जो उन्होंने अदब के लिए काम किया, चूंकि नुमाइश नहीं करते थे, लोगों को बताते नहीं थे, और सिर्फ अपने काम से काम रखते थे, इसलिए उस वक्त के लोग जो है वो भी शायद उनके इस इल्मी मर्तबे से बाखबर थे। दरअसल खुद मिर्जा साहब शोहरत से घबराते थे, मशहूर होने से उनको कोई शौक नहीं था कि वो मशहूर हो जाए, बल्कि जो काम करते थे सिर्फ अपनी खुशी के लिए करते थे, बड़ा खामोश होकर करते थे, जैसे डंडोरा नहीं पीटते थे, हम तो छोटा सा जैसे काम कर ले और होता है कि सबको पता चल जाए कि हमने इतना अच्छा काम किया, लेकिन मिर्जा साहब जो है वो ऐसी तबीयत के नहीं थे, और पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आना पसंद नहीं करते थे, काम करते थे सताइश की तमन्ना और सिले की परवाह से बेनियाज होकर।
वो कभी भी उन्होंने मशहूर होने के लिए काम नहीं किया, लोगों के सामने आ आकर अपने काम की नुमाइश करना जो है उनको पसंद नहीं था। वो काम करते थे सताइश की तमन्ना, सताइश का मतलब है पसंदीदगी, तमन्ना तमन्ना ख्वाहिश, सिले की परवाह, सिला जो है वो बदले को कहते हैं, से बेनियाज होकर, बेपरवाह होकर, यानी उन्हें इस बात की ख्वाहिश या तमन्ना नहीं थी कि लोग उनको पसंद करें, और ना ही उन्हें इस बात की परवाह थी कि कोई उनको इनके काम के बदले में सिला मिले लोगों से या दुनिया से, बल्कि वो सिर्फ काम करते थे अपनी तस्कीन के लिए, वो काम करते थे अपनी खुशी के लिए, तस्कीन का मतलब है खुशी। वो सिर्फ इसलिए काम करते थे कि उन्हें काम करना अच्छा लगता था, और वो जो है सिर्फ अपनी खुशी के लिए काम करते थे, लोगों से उनको कोई उम्मीद नहीं थी, ना उनको बदले की तमन्ना थी, ना परवाह थी, तमन्ना थी, और ना ही उनको चाहे जाने की या पसंद करने की तमन्ना थी, बल्कि काम करते थे इसलिए कि इन्हें काम करना होता था, यानी वो काम करना पसंद करते थे और सिर्फ अपनी खुशी के लिए वो काम करते थे। फरमाइशी काम उन्होंने सारी उम्र नहीं किए, फरमाइशी काम किसी के कहने पे, यानी उन्होंने कभी किसी के कहने पे कोई मजमून नहीं लिखा, कभी किसी के कहने पे उन्होंने कुछ अदबी काम जो है वो नहीं किया, ना किसी अखबार में काम किया, ना कोई किताब लिखी, ना उन्होंने कोई कहानी लिखी, बल्कि उन्होंने सारी उम्र जो है सिर्फ उस वक्त काम किया जब उनको खुद काम करना मतलब अच्छा लगा और उन्होंने काम किया, उन्होंने किसी के कहने पे कभी भी कोई काम नहीं किया। उन्होंने अब से 55 साल पहले सर अब्दुल कादिर, अब यहाँ पे नीचे देखें सर अब्दुल कादिर का आपको तारफ बताया हुआ है, शेख सर अब्दुल कादिर मारूफ अदीब और अलामा मोहम्मद इकबाल के गहरे दोस्त थे, के रिसाले मुख्सन में मजामीन लिखे, ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि उन्होंने कौन से रिसाले में सबसे पहले मजमून लिखे या कितने साल, खैर साल पहले तो नहीं आ सकता, लेकिन सर अब्दुल कादिर के रिसाले का नाम क्या था इस हवाले से भी आ सकता है, या मिर्जा मोहम्मद सईद ने कौन से रिसाले में मजामीन लिखे, तो ये मुख्सन रिसाला मुख्सन जो है ये आपने इसका नाम याद रखना है, और इसके एडिटर सर अब्दुल कादिर थे, मगर शेख साहब की फरमाइश पर नहीं बल्कि जब उनका जी लिखने को चाहा, यानी अगरचे इस रिसाले में भी उन्होंने मजमून लिखे, मजामीन अपने लिख के उनको शाया करने के लिए दिए, लेकिन वो उस वक्त ये नहीं कि शेख साहब यानी अब्दुल कादिर ने उनको कहा कि मेरे रिसाले के लिए लिखो तो उन्होंने लिखा, बल्कि उस वक्त जब उनका दिल कर किया काम करने को। अगले सफे पर, मिर्जा साहब किसी को खुश करने के लिए नहीं लिखते थे, मिर्जा साहब पैसे के लिए भी नहीं लिखते थे, ठीक है, ना खुश करने के लिए ना पैसे के लिए, पैसे की तो उन्होंने कभी परवाह नहीं की, बल्कि पैसे के जिक्र पर वो चिढ़ जाते थे, यानी खफा हो जाते थे अगर कोई उनको कहता था कि पैसे के लिए लिख ले या मैं आपको पैसे दूंगा, और इन्हें मनाना मुश्किल हो जाता था। लाहौर के अक्सर पब्लिशरों ने मिर्जा साहब से किताबें लिखवानी चाहिए और बड़ी बड़ी रकमें पेश की, मगर मिर्जा साहब ने इन्हें एक लफ्ज भी लिखकर नहीं दिया, ठीक है, यानी उनका लाहौर के जो पब्लिशर थे उनका ख्याल था कि हम अगर पैसे ज्यादा दे देंगे तो मिर्जा साहब हमारे लिए लिख लेंगे, लेकिन उन्होंने उनके कहने पर एक लफ्ज भी लिखकर नहीं दिया। मजमून और मुकाला मुकालवा लिखना या कोई कॉलम लिखना तो बड़ी दूर की बात थी। और जब अपना नावल, पहला नावल यास्मीन लिखा, इसको भी अंडरलाइन करें, उनका पहला नावल जो है उसका नाम यास्मीन था, तो अपने एक शागिर्द पब्लिशर को बेमुज़ दे दिया बगैर कीमत के, यानी पैसे लिए बगैर जो है अपना वो जो उनका नावल था जिसका नाम यास्मीन था, उनका ये पहला नावल था, और उन्होंने उसको बगैर पैसों के, हालांकि लाहौर के पब्लिशर उनको पैसे भी दे रहे थे, लेकिन उन्होंने ये अपने शागिर्द को मुफ्त दे दिया और उनको कहा कि ये इसको छाप दो। इसके बाद इसके कुछ अरसा बाद दूसरा नावल ख्वाब हस्ती लिखा, ठीक है जी, पहले नावल का नाम यास्मीन था और दूसरे का नाम ख्वाब हस्ती, याद रखिएगा, इसी भी बगैर कुछ लिए दिए छपवा दिया, ठीक है, यानी इसके भी पैसे नहीं लिए। उस जमाने में भी देखें ये जो मुसन्निफीन होते हैं ये तो असल में इनका काम ही यही होता है, वो अपनी किताबें लिखते हैं और फिर पैसे दे लेते हैं और अपनी किताब जो है वो बेच देते हैं पब्लिशरों के हाथ और वो उसको फिर शाया करते हैं और इस तरीके से वो लोग पैसे कमाते हैं। लेकिन मिर्जा मोहम्मद सईद जो है, क्योंकि उन्हें ना पैसे की परवाह थी, ना उनको मशहूर होने की परवाह थी, ना किसी से कोई सिले की उम्मीद थी, इसलिए वो जो है उन्होंने अपने दोनों नावल अपने शागिर्दों को बगैर कीमत के दे दिए और उसको छपवाने के लिए उनको जो है उनके हवाले कर दिया। अच्छा, यहाँ पे अब अगले पैरा में आपको एक वाकया बताया है। एक पब्लिशर साहब लाहौर से दिल्ली महज इस गर्ज से आए थे कि मिर्जा साहब से नावल लिखवाएंगे,
ठीक है, लाहौर से दिल्ली आई थी, क्योंकि मिर्जा मोहम्मद सईद जो है वो दिल्ली में रहते थे, और उसका ये ख्याल था कि मैं उसको पैसे देकर, मैं यानी मिर्जा मोहम्मद सईद को पैसे देकर उनसे नावल लिखवा लूंगा। मैंने इन्हें समझाया, मुसनफ कह रहे हैं कि वो पब्लिशर मेरे पास आया, तो मैंने उसको समझाया कि मिर्जा साहब नहीं लिखेंगे, क्योंकि उनको पता था कि मिर्जा साहब जो है वो तो पैसे के लिए कभी लिखते ही नहीं है। मगर वो बड़े बड़े मुसनफों को खरीद चुके थे, यानी वो पब्लिशर जो है इससे पहले भी बहुत बड़े बड़े मुसनफों को पैसे देकर अपने लिए नावल लिखवा चुके थे। ना माने, बोले हम इन्हें एक नावल का 1,000 रुपया देंगे तो वो क्यों नहीं लिखेंगे। ये वो जमाना था कि 200-250 रुपए में अच्छा खासा नावल पब्लिशर को मिल जाता था, ठीक है, यानी उस जमाने में एक नावल लिखने के 200-250 रुपए मिलती थी। लेकिन वो नावल, वो जो पब्लिशर था उसने कहा कि हो सकता है कि मैं अगर 1,000 रुपए की जो है वो पेशकश करूं मिर्जा मोहम्मद सईद को, जो कि बहुत ज्यादा बड़ी रकम थी उस जमाने में, तो उसका ये ख्याल था कि मिर्जा मोहम्मद सईद जो है वो राजी हो जाएंगे और वो मुझे या हमारे हमारे उसके लिए, अखबार के लिए जो है वो जरूर नॉवल जो है वो लिखकर दे देंगे। उन्होंने कहा कि जब मैं 1,000 रुपया दूंगा तो क्यों नहीं लिखेंगे। अच्छा जी, चुनाचे मुझे अपने साथ लेकर मिर्जा साहब की खिदमत में हाजिर हुए। मैंने तारुफ कराया, ये अब मैं का जो सीगा है ये मुसनिफ ने अपने लिए इस्तेमाल किया, मुसनिफ अपनी बात कर रहे हैं, ठीक है, कि मैं मौजूद था उसके साथ, मैंने तारुफ कराया। मिर्जा साहब का माथा ठनका, माथा ठनकना जो है यानी वो जो है होशियार हो गए या उनको खबरदार हो गए इस बात से कि कोई ना कोई ऐसी बात है कि ये पब्लिशर जो है ये मुझसे मिलने आया हुआ है। वो थोड़ा सा जैसे हम कहते हैं होशियार हो जाना या खबरदार हो जाना, पहले से खुद को तैयार कर लेना। पब्लिशर साहब यानी उनको इशारा मिल गया था, ठीक है, पब्लिशर साहब ने छूटते ही नावल लिखने की फरमाइश की, यानी जैसे ही उसको मौका मिला तो उसने सबसे पहले जो फरमाइश की वो ये थी कि आप हमारे लिए या हमारे अखबार के लिए नावल लिखें हमारे लिए, यानी क्योंकि इनकी पब्लिशर थे तो वो ये चाह रहे थे कि उसका नावल जो है वो लेकर वो छापे और उनसे उनको जो है फायदा हो। मिर्जा साहब ठंडे मिजाज के आदमी थे, बोले आप मेरे नावल के 5,000 दे देंगे, 10,000 दे देंगे, मुझे ये मंजूर नहीं कि जो काम कर रहा हूं उसे छोड़कर आपके लिए नावल लिखूं। चले जी, वो तो अभी 1,000 का सोचकर आए थे और बड़े डिंगे मार रहे थे कि 1,000 में मैं उसको मना लूंगा, लेकिन यहाँ तो मिर्जा साहब ने क्या किया, उसको कहा कि तुम मुझे 5-10 हज़ार दोगे तो तब भी नहीं लिखूंगा, और मुझे ये मंजूर नहीं है कि जो काम मैं लिख कर रहा हूँ इस वक्त उसको छोड़ के तुम्हारे लिए नावल लिखूं। 5-10 हज़ार की बात सुनकर पब्लिशर साहब की सिटी गुम हो गई, यानी उनके तो होश ही उड़ गए कि ये क्या है, मैं तो 1,000 का समझ के ही आया था कि मैं 1,000 दूंगा तो ये बड़ी खुशी से मेरे लिए नावल लिखेंगे, ये तो 5-10 हज़ार की बात कह रहे हैं कि अगर तुम 5-10 भी दोगे तो मैं नहीं राजी होऊंगा। तो वो जो है वो बंदा, वो पब्लिशर जो है वो बड़ा यानी हैरान हो गया, वो उससे कुछ या होश और हवास खो बैठा जैसे। वो 2-4 मिनट पहलू बदल कर रुखसत चाहे, और 2-4 मिनट पहलू बदल कर रुखसत चाहे, यानी कुछ टाइम थोड़ा सा इधर उधर की बातें करके वहां से रुखसत हो गए। मिर्जा साहब उस जमाने में अपनी मार्कतुल आरा किताब मजहब और बातिनियत लिख रहे थे, जिसे मुकम्मल होने के बाद इनके दोस्त प्रोफेसर ताजवर नजीब आबादी इनसे ले गए और लाहौर से वो किताब शाया हुई। हाँ, आपने देखा उसने जो मिर्जा साहब ने उसको कहा था कि मैं ये नहीं, मैं मुझे अच्छा नहीं लगता कि जो काम मैं कर रहा हूँ उसको छोड़कर तुम्हारे लिए नावल लिखूं, तो उस वक्त वो क्या काम कर रहे थे, वो अपनी मार्कतुल आरा किताब मजहब और बातिनियत लिख रहे थे। मार्कतुल आरा किताब एक बहुत मशहूर, यानी जिसको हम कह सकते हैं छा जाने वाली और बुलंदियों को छू जाने वाली किताब जो है, जिसका नाम था मजहब और बातिनियत, वो उस दौरान वो लिख रहे थे, इसलिए उन्होंने मना कर दिया और कहा कि मैं जो है तुम्हारे लिए ये किताब नहीं लिख सकता, ये नॉवल जो है मैं तुम्हारे लिए नहीं लिख सकता। मार्कतुल आरा का मतलब गैर मामूली या बहुत बड़ा कारनामा इनका जो है, जो उनकी किताब है उसके बारे में कहा जाता है कि ये इनका बहुत बड़ा कारनामा है, जिसे मुकम्मल होने के बाद उनके दोस्त प्रोफेसर ताजवर नजीब आबादी, अब यहाँ पे देखें नीचे जो है ये जो ताजवर नजीब आबादी है इसका तारुफ दिया हुआ है नीचे पेज के आखिर में। ताजवर नजीब आबादी नामवर शायर और अद्वियात के आलम थे, इनके शागिर्दों का हलका खासा वसी था। आपकी किताब में इसी तरह के नाम दे के नीचे, लाइन के नीचे आपको उनका तारुफ दिया होगा, इसमें से भी अक्सर MCQs आ जाते हैं, MCQs के हवाले से आपने इनका ये तारुफ जो है वो याद रखना है। अच्छा जी, तो क्या किया उनके दोस्त ने, उनसे वो किताब ली, जब ये मतलब मुकम्मल होगी तो उन्होंने उसको लाहौर से शाया कर दिया। मिर्जा साहब का सिर्फ यही एक इल्मी कारनामा है, मगर ऐसा कारनामा कि अगर
कि अगर उर्दू की अगर 100 उम्दा किताबें छांटी जाए तो इनमें मजहब और बातिनियत को जरूर शरीक करना होगा। ठीक है जी, यानी एक बहुत बड़ा इल्मी कारनामा, अगरचे एक किताब ये मजहब और बातिनियत लिखी, लेकिन कहा जाता है कि वो कितना बड़ा इल्मी और अदबी कारनामा है उनका कि अगर उसको यानी उर्दू की 100 किताबें जमा की जाए और उनकी फहरिस्त बनाई जाए तो उसमें इस किताब को जरूर शामिल किया जाएगा। अच्छा जी, अगला पैरा, मिर्जा साहब दिल्ली की शुरफा के एक मुतवम्मिल खानदान के चश्मो चराग थे। मुतवम्मिल हम कह सकते हैं माली तौर पे जो मजबूत लोग होते हैं, अमीर घराना कहा जा सकता है उनको, दिल्ली के जो शरीफ अमीर घराने से ताल्लुक रखते थे। तेरा बैरम खान से आगे बढ़कर एक रास्ता सीधे हाथ को मुड़ जाता है, इसी के नुक्कड़ पर मिर्जा साहब का आबाई मकान था, यानी जो आबाऊ अजदाद उनकी तरफ से उनका मिला था या उनका जो घर था जहाँ पे वो रहते थे, इसी इलाके में सर सैयद अहमद खान। अब आप नीचे देखें, ये दो लिख के नीचे आपको यहाँ तारुफ दिया हुआ है सर सैयद अहमद खान का। सर सैयद अहमद खान मुसलमानों में जदीद तालीम के फरोग के अलम बरदार थे, अलीगढ़ में MAO कॉलेज कायम किया जो उनकी वफात के बाद यूनिवर्सिटी बन गया। ठीक है जी, का कदीम मकान भी था, यानी इसी इलाके में जो है सर सैयद अहमद खान भी रहते थे। सर सैयद से भी मिर्जा साहब की अजीज तारी थी और मुंशी जकाउल्ला से भी इनकी खराबतदारी थी। खराबतदारी यानी जान पहचान थी या उनकी रिश्तेदारी भी कह सकते हैं, दोस्ती का भी कह सकते हैं, जान पहचान भी कह सकते हैं। अब यहाँ मुंशी जकाउल्ला कौन है जी, मुंशी जकाउल्ला का तारुफ आपको यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, ये देखिए तीन लगा के यहाँ पे भी तीन के जरिए आपको जो है मेंशन किया है। मुंशी जकाउल्ला सर सैयद अहमद खान के करीबी दोस्त और साथी थे, तहकीक व तसनीफ और तराजम में भी नाम पैदा किए, यानी ये दोनों हजरात जो है सर सैयद अहमद खान और मुंशी जकाउल्ला ये खुद भी बहुत बड़े इल्मी और अदबी शख्सियात थे और उन्हीं के साथ उनकी अजीजदारी भी थी और मिर्जा मोहम्मद सईद की और उनके साथ कराबतदारी भी थी और उसी उनके इलाके के रहने वाले जो है वो लोग थे। अच्छा जी, 50-60 साल पहले दिल्ली के मुसलमान शुरफा में अंग्रेजी तालीम को अच्छी नजरों से नहीं देखा जाता था, मगर सर सैयद ने मुसलमानों के इस गलत नजरिए की बहुत कुछ इसलाह कर दी थी। इसी जमाने में दिल्ली के दो नौजवानों ने आला तालीम हासिल करके इल्मी हलकों में नमूद हासिल की, यानी वो जमाना जब लोग जो है अंग्रेजी तालीम से नफरत करते थे और मुसलमानों का ये ख्याल था कि जो बच्चे या जो लड़के तालीम हासिल करते हैं अंग्रेजी तो वो दीन से दूर चले जाते हैं, तो उस जमाने में सर सैयद अहमद खान ने अपनी कोशिशों से लोगों में ये जोश ये जज्बा जो है वो पैदा किया कि नहीं, अंग्रेजी तालीम भी हासिल करनी चाहिए कि अगर मुसलमान तरक्की चाहते। तो उस जमाने में दो नौजवान यानी दो लड़के जो हैं वो ऐसे थे कि जिन्होंने ना सिर्फ अंग्रेजी तालीम हासिल की बल्कि उसमें एक बहुत ऊंचा मकाम हासिल कर लिया था और एक नाम के तौर पर जो है वो सामने आए थे, और उन्हीं में से एक प्रोफेसर मुश्ताक अहमद जाहिदी थे और दूसरे प्रोफेसर मिर्जा मोहम्मद सईद जो है वो उस जमाने के आला तालीम याफ्ता शख्सियात थे। मिर्जा यानी उस जमाने में अंग्रेजी तालीम हासिल करना एक बहुत बड़ी बात थी, और फिर ये दो लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने बड़ा नाम पैदा किया और वो लोगों के सामने आए। मिर्जा साहब ने सदी के आगाज में लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज में तालीम हासिल की, उनके उस्तादों में अलामा इकबाल भी शामिल थे। ठीक है जी, उनके उस्ताद अलामा इकबाल भी रह चुके हैं जिनसे उनकी मुखलिसाना ताल्लुक आखिरी दम तक कायम रहे, बिल्कुल खालिस ताल्लुक था उनके साथ उस्ताद शागिर्द का। अंग्रेजी अदबियात में MA की सनद लेने के बाद यानी MA करने के बाद मिर्जा साहब ने 1906 और 7 में साल दो साल अलीगढ़ में पढ़ाया, इसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर ही में अंग्रेजी का प्रोफेसर हो गए, यानी जहां से तालीम हासिल की थी वहीं पर प्रोफेसर हुए। पंजाब के बेशतर आला ओहदेदार मिर्जा साहब के शागिर्द थे, क्योंकि उस जमाने में लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे तो जो पढ़ाने वाले थे उनके शागिर्द जो हैं वो अक्सर यानी जो इल्म हासिल कर लेते थे वो फिर बड़े बड़े ओहदों पे चले जाते थे, तो मिर्जा साहब के शागिर्द जो हैं वो भी बड़े बड़े ओहदों पर उस वक्त फाइज थे। पितरस और ताज। अब पितरस कौन है? पितरस बुखारी उर्दू के मारूफ और बुलंद पाया मिजानगार अंग्रेजी अदबियात के उस्ताद थे, और ताज जो है वो सैयद इम्तियाज अली ताज अदीब ड्रामा नवीस थे। नारकलीन का मारूफ ड्रामा है, आप इसके बारे में 9th पे पढ़ चुके हो। अच्छा जी, पितरस और ताज ने भी मिर्जा साहब से किसाबे इल्म हासिल किया, यानी ये दोनों भी मिर्जा साहब के शागिर्द थे।
बाद में पितरस खुद अंग्रेजी के प्रोफेसर हो गए, मगर अपनी गैर मामूली काबिलियत और जहानत के बावजूद मिर्जा साहब की इल्मियत के आगे अपने आप को हीच समझते थे, अपने आप कमतर समझते, हीच समझना कमतर, यानी खुद बाद में प्रोफेसर बन गए थे लेकिन अपने उस्ताद के सामने खुद को बहुत कम समझते थे। उनका ख्याल था कि नहीं, मैं अपने उस्ताद जितना काबिल नहीं हो सकता या मेरे पास उस्ताद जितना इल्म नहीं हो सकता। ये इज्जत और एहतराम का एक मुकाम होता है कि जब शागिर्द जो है वो खुद को अपने उस्ताद के सामने कम तर तस्वर करे। तो यही हाल पितरस का भी था। मैंने बारहा पितरस को मिर्जा साहब की खिदमत में हाजिर होते देखा। पितरस को मैंने किसी और का इतना अदब एहतराम करते नहीं देखा, यहाँ तक कि वासराय हिंद का। अब वो मुसनिफ क्या कह रहे हैं कि मैंने देखा कि किस तरह पितरस बुखारी जो है वो अपने उस्ताद का अदब एहतराम करते हैं, और वो कहते हैं कि मैंने कभी भी किसी को किसी का एहतराम इतना करते नहीं देखा जितना वो जो है वो अपने उस्ताद का करते थे, यहाँ तक कि वासराय हिंद जो है, वासराय हिंद हम कह सकते हैं जैसे आजकल के जमाने में किसी एक खास एक इलाके का एक सूबे का गवर्नर होना, तो उस जमाने में वासराय मतलब पूरे, या हम वजीर आजम कह सकते हैं कि उसका अदब तो जाहिर बातें सभी करते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं, मैंने उनको इतना भी नहीं देखा, बल्कि वो उससे भी ज्यादा उतनी इज्जत उनकी नहीं करते थे वासराय की जितना वो अपने उस्ताद की करते थे। अच्छा जी, पितरस के सिलसिले में दो एक दिलचस्प वाकयात याद आ गए। पितरस ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर जनरल हो गए थे, मगर पुराने दोस्तों से रस्म और राह में जरा भी फर्क ना आने पाया था। रस्म और राह में ताल्लुक में, यानी पुराने दोस्तों के साथ उसी तरह ताल्लुक रखते थे, हालांकि बहुत बड़े ओहदे पर फाइज होने के हो गए थे उसके बावजूद। मिर्जा साहब को उन्होंने किसी ना किसी तरह आमादा कर लिया था कि रेडियो से कभी कभी तकरीर नशर किया करें। दो एक तकरीरों के बाद मिर्जा साहब ने कॉन्ट्रैक्ट वापस करने शुरू कर दिए, यानी उन्होंने कहना शुरू कर दिया भाई मैं नहीं काम कर रहा तुम लोगों के साथ, मुझे जो है अब मजीद अपने तकरीरें जो है वो नहीं रिकॉर्ड करवानी रेडियो के लिए। शुदाशुदा बात पितरस तक पहुंची, शुदाशुदा होते होते बात जो है वो पितरस बुखारी तक पहुंची, और पितरस को समझ नहीं आई कि आखिर हुआ क्या है। हाजिर होकर वजह दरियाफ्त की। मिर्जा साहब ने फरमाया तुम्हें इस्लाह देने के बाद मुझे ये मंजूर नहीं कि तुम्हारे शागिर्द मुझे इस्लाह दे, यानी तुम तो मेरे शागिर्द हो, मैंने तुम्हें पढ़ाया है, मैंने तुम्हें इतनी ऊंचे मतलब अगर किसी मकाम पर पहुंचे हो तो मेरी वजह से, अब ये जरूरी है, लेकिन अब मुझे ये पसंद नहीं है कि तुम्हारे बाद कि मैं तुम्हें पढ़ाऊं और तुम्हारे शागिर्द जो है वो मुझे इस्लाह करे या मेरी इस्लाह करे या मुझे जो है मेरी गलतियां ठीक करे। पितरस ने बड़ी माजरत की मगर मिर्जा साहब आइंदा नश्र करने के लिए आमादा ना हुए, यानी तैयार ही ना हुए। उन्होंने कहा नहीं नहीं बस मैंने नहीं करना, ठीक है, मना कर दिया। अगले दिन दफ्तर में कयामत आ गई, यानी एक हंगामा हो गया कि भाई मिर्जा साहब ने आखिर किस वजह से ये जो है कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर रहे हैं, और इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई या तहकीक शुरू होगी कि आखिर हुआ क्या था। पूरे स्टाफ को जमा करके उन्होंने ब्रॉडकास्टिंग के हुस्ने अखलाक पर एक तफील लेक्चर दिया। बात तो खुल ही गई थी, स्टेशन डायरेक्टर ने तकरीरों के इंचार्ज को बुलाकर कहा कि अगर अपनी खैर चाहते हो तो मिर्जा साहब को मना कर लाओ, यानी वो जो तकरीरें का जो इंचार्ज था तकरीरों के सेक्शन का, उनको पता चल गया सबको कि ये शायद इसी की गलती थी, बाकी किसी की गलती नहीं थी, लिहाजा उसको कहा गया कि अगर अपनी खैर चाहते हो तो मिर्जा साहब को मना कर ले आओ। उसको मालूम नहीं था कि मिर्जा साहब पितरस के उस्ताद हैं, ठीक है जी, वो जो तकरीरों के इंचार्ज था स्टेशन डायरेक्टर का, सॉरी वो रेडियो में, उसको ये नहीं पता था कि मिर्जा साहब जो है वो पितरस के उस्ताद हैं, और पितरस साहब तो उस वक्त रेडियो के डायरेक्टर जनरल थे। हज़्ब दस्तूर अपनी कार्रवाई दिखाने के लिए उसने उनके मुसव्वदे में से दो एक फिक्रे निकाल दिए थे, मुसव्वदा उनकी लिखी हुई चीज, तो उसको चूंकि ये नहीं पता था, लिहाजा जब मिर्जा साहब अपनी तकरीर लेकर आए तो ये जो साहब थे जो इंचार्ज थे इन्होंने उनकी लिखी हुई तकरीर देखी और उसमें से दो तीन जुमले जो है उनको कहा कि अगर आप इस जुमलों को हटा दें या आप ये जुमले ना पढ़े तो ये ज्यादा बेहतर हो जाएगा, ठीक है, यानी अपनी क्या कहते हैं अपनी कारकर्दगी के दिखाने के लिए कि मैं तो बड़ा पढ़ा लिखा हूँ और मुझे तो बहुत कुछ आता है। हालांकि वो मिर्जा साहब को नहीं जानते थे कि मिर्जा साहब है कौन। ये बात जो है मिर्जा साहब को बुरी लगी और उसने मिर्जा साहब ने कॉन्ट्रैक्ट जो है वो खत्म कर दिए। अच्छा जी, इन फिक्रों का निकालना उसका नौकरी से निकाले जाने का पेश खेमा हो गया, यानी उसने तो सिर्फ बेचारे ने सिर्फ अपने अपनी इल्मी काबिलियत जाहिर करने के लिए दो फिक्र ही निकाले थे, लेकिन उस वो क्या वजह बना किस चीज का कि उनको नौकरी से निकाले जाने का खदशा पैदा हो गया। भागा मिर्जा साहब की खिदमत में माफी मांगी, हाथ जोड़े मिर्जा साहब ना माने, बोलिया तो हजरत मेरी नौकरी गई, बाल बच्चे भूखे मरेंगे और आपको दुआएं देंगे, यानी अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा और मेरे बच्चों का जो है रोजी रिस्क बंद हो जाएगा और वो आपको दुआएं देंगे, मतलब बद दुआएं देंगे।
मिर्जा साहब के कान खड़े हो गए, यानी वो होशियार हो गए, उनको उनको इस बात पे जो है थोड़ा सा वो अलर्ट हुए, बोले ये तो मैं नहीं चाहता। इसने कहा अगर आप ये नहीं चाहते तो इस कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत कीजिए। मिर्जा साहब ने फौरन दस्तखत कर दिए, यानी दिल के अच्छे इंसान थे, जाहिर बात है वो नहीं चाहते थे किसी रोजी किसी की रोजी जो है उनकी वजह से बंद हो। जंग के जमाने में हुस्न इत्तेफाक से दिल्ली में लाहौर के बेशतर अदीब और शायर रेडियो में या दूसरे सरकारी महकमों में जमा हो गए थे। पितरस की तहरीक पर एक महदूद अदबी हलका कायम किया गया, जिसमें डॉक्टर तासीर, उनका तारुफ जो है डॉक्टर तासीर, पूरा नाम मोहम्मद दीन तासीर, नामवर अदीब और नकाद थे, इस्लामिया कॉलेज लाहौर के प्रिंसिपल थे, इन सब का तारुफ आपको दिया हुआ है। फैज अहमद फैज मारूफ तरक्की पसंद शायर थे, ज्यादातर दरसो तदरीस और सहाफत से वाबस्ता रहे। हामिद अली खान रिसाला अलहमरा के बानी और एडिटर और अदीब थे, इन सब के तारुफ आपने याद रखने हैं। हमीद अहमद खान अदीब और नकाद थे, इस्लामिया कॉलेज लाहौर के प्रिंसिपल और पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे। इसमें से ज्यादातर ये हामिद अली खान के रिसाले के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, या डॉक्टर तासीर का पूरा नाम क्या था, या वो कहाँ के, या इस्लामिया कॉलेज के प्रिंसिपल थे। चराग हसरत सहाफी अदीब और मजाह नगार थे। महमूद निजामी अदीब और ब्रॉडकास्टर थे। नजरनामा इनका बुलंद पाया सफरनामा है, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। गुलाम अब्बास का शुमार उर्दू के अच्छे अफसाने नगारों में होता है, इसके मतलब एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। अंसार नासरी अदीब और ब्रॉडकास्टर थे, ठीक है जी। तो ये तमाम वो लोग थे कि जो उर्दू सॉरी जो रेडियो से वाबस्ता हो गए थे और एक अदबी हलका जो है वो कायम हो गया था, और हर महीने इसका एक इजलास होता था जो उनका अदबी हलका था, कभी पितरस के घर पर और कभी डॉक्टर तासीर के घर पर। इसमें एक मकाला किसी अदबी मौजू पर पढ़ा जाता था और इस पर गुफ्तगू की जाती थी, यानी महीने में या कभी हाँ महीने में एक दिन जो है कहीं ना कहीं ये जलसा मुनक़द किया जाता था, और इसमें ये तमाम अदबी शख्सियात जिनके नाम आपको बताए हैं ये जमा होते थे, और ये जो है किसी एक मकाले पर गुफ्तगू करते थे, किसी एक हो सकता है मतलब कभी वो अखबार में शाया होने वाली कोई खबर हो सकती थी, कभी अखबार में शाया होने वाला कोई मुकालमा हो सकता था, वो उसको लेते थे और बैठकर एक मजलिस में या एक जलसे में उस पर अपने अपने राय का इजहार करते थे। तो ये एक बहुत बड़ा अदबी हलका था, और ये इस तरीके से ये लोग जो है वो अदबी खिदमत अंजाम दे रहे थे। चले जी आज के लिए इतना ही, अब आपने इसमें से जो है आपने करना है कौन सा पैरा आपके तशरीह भारत के लिए, पहला ही पेज सॉरी ये देखिए पेज नंबर 13 पे जो पैराग्राफ है, सेकंड जो लास्ट पैराग्राफ है, आलम की मौत होती है यहाँ से लेकर यहाँ तक। काम करते थे अपनी तस्कीन के लिए, काम करते थे इसलिए कि इन्हें काम करना होता था, फरमाइशी काम उन्होंने सारी उम्र नहीं किए यहाँ तक, ठीक है जी। आलम की मौत होती है यहाँ से लेकर, फरमाइशी काम उन्होंने सारी उम्र नहीं किया। ये आपके इबारत है तशरीह के लिए, आपने इसकी तशरीह करनी है। और कल इंशाल्लाह या अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम जो है इसी खाके को जारी रखेंगे, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।